हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। और आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और मार्च लास्ट तक आपका चलने वाला है। और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका एक बार आप लोग एनालिसिस देख लो। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ उसका आंसर याद कर लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से कॉन्सेप्ट लर्न करने का कोशिश करना और ये पता करने का कोशिश करना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, और ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके अपना एग्जाम देने जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति से पूछा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से पता कर लेना है कि जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट मेरा कौन था, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था कि यंगेस्ट, मतलब देश का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो उसका नाम था आपका नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो यहाँ से आप लोग बस याद रखना कि ये देश का युवा था, तो देश का पहला कौन है, देश का प्रथम महिला वुमेन्स प्रेसिडेंट कौन है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ओके, एक क्वेश्चन आपका था पीएनबी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये तो आपको याद रखना है कि पीएनबी का हेड क्वार्टर आपको दिल्ली में है, बट साथ ही साथ स्टेट बैंक से लेकर के जितना भी आपका मेजर बैंक है उसका हेड क्वार्टर, उसका सीईओ का नाम आपको एटलीस्ट याद रखना है। क्लियर। चलो, एक आपका क्वेश्चन है कि आलू का रिसर्च सेंटर जिसको बोलते हो, पोटैटो का अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिमला। बट करीब 15 से 20 आपका इम्पोर्टेंट है रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र जो आपको याद रखना है। तो आप लोग एक A4 शीट पेज ले लो या कॉपी ले लो और उस पे एक टॉपिक करके लिख लो कि मुझे अनुसंधान केंद्र का नाम याद करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। चलो, एक आपका जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम होता है ना, तो ये 2020 में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ, तो ये क्वेश्चन था गुवाहाटी में। ओके, मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस से 100% आपको स्कोर करने का कोशिश करना है। और कुछ स्टैटिक जीके कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइप का आपको लिस्ट बना करके एग्जाम में जाना है। एक क्वेश्चन आपका शेड्यूल से था जिसको अनुसूचित बोलते हो, अनुसूची। तो अनुसूची का आठवां भाग में आपका लैंग्वेज जो है ना सो कितना है, तो आप सभी को पता है कि 22 है। ओके, आप जो है सो आर्टिकल आपका संविधान जो है और अनुच्छेद उसका भाग, ये सब एक बार देख लेना। नेशनल कांग्रेस एक बार देख लेना, दिल्ली सल्तनत एक बार देख लेना, ये सब जगह से फिक्स है कि आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपका था कि कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और यहाँ से आपको मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो कहाँ पे है ये आपको याद रखना है। और जो नारा वगैरह है कौन लोग क्या दिए थे, जैसे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, इस टाइप का भी आप लोग देख लेना। एक आपका जीवन शैली पट्टचित्र चित्रकला, पट्टचित्र चित्रकला किसकी जीवन शैली है, तो ये ओडिशा का है, तो इसको भी याद रखना। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पूछा था, तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पूछा तो आपको नाम पता है सत्य नडेला, लेकिन इसके साथ साथ आपको गूगल का, फेसबुक का, एप्पल का, ये सबको याद रखना है। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ना पूछे आपसे, फेसबुक का संस्थापक पूछे मार्क जुकरबर्ग, हो सकता है आपको गूगल का सीईओ का नाम पूछे, तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो गारंटी है कि इस एग्जाम में फंसेगा। एयर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन था सतलज नदी जो है वो आपको भारत में किस दर्रा में प्रवेश करती है या किस दर्रा से निकलती है, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। यहाँ पे एटम, एटम का डिस्कवर कौन किया था, तो आपको पता है जॉन डॉल्टन। यहाँ से केमिस्ट्री का, जनरल साइंस का क्वेश्चन था। लॉफिंग गैस,
लॉफिंग गैस जो है आपका किसको बोलते हैं, एक होता है N2O और एक होता है NO2, तो N2O को बोलते हैं, ऑप्शन में ये भी होगा, तो इसको आप लोग याद रखना अच्छे से। पीएच वैल्यू जो है वो आपका लेमन जूस का कितना होता है, तो आप लोग एक टॉपिक लिख लो पीएच मान, कुछ का पीएच मान, जैसे कि मूत्र का, ब्लड का, दूध का, लेमन जूस का, मिल्क का, ये सब का पीएच मान मुझे याद रखना है, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये सब याद रखना है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हो ना, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है सभी लोगों को कि आप लोगों का CVT 1 निकल जाए, क्योंकि आज से ही, आज 28 तारीख है ना, 28 दिसंबर, आज से ही आप लोगों का NTPC सेकेंड स्टेज का कंप्लीट 100% प्रिपरेशन इस चैनल पे स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस पूरी तरह से कवर होगा, और कुछ इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक है जनरल नॉलेज का वो होगा, स्टैटिक GK का होगा, करंट अफेयर्स का पूरी तरह से कोशिश करूँगा जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके वो दूँ। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। अभी 7,000+ लोग वहाँ पे पढ़ाई करके NTPC का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आप सभी लोग आ जाओ। अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो या इस चैनल को पहले से जानते हो, इसके कंटेंट पे भरोसा है, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि CVT 2 आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा वो भी बता देता हूँ। ऐप का नाम है अनलिमिटेड एजुकेशन, जो इस चैनल का नाम है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे जैसे कि आप मैथ जाते हो पढ़ने के लिए, तो मैथ में मान करके चलो चैप्टर का नाम है परसेंटेज, परसेंटेज मान करके चलो 14 लेक्चर है, तो ये पहले आप ये 14 लेक्चर्स देखोगे। इस 14 लेक्चर्स में मान लो टोटल मैंने 65 क्वेश्चंस डिस्कस किया, तो आप इस 65 क्वेश्चंस का आपको PDF मिलेगा, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है प्रिंट निकाल करके। फिर इसी में आपको इस 65 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज मिलेगा जो मैंने बताया, इस टेस्ट को आपको लगाना है, ठीक है। इससे आपको स्पीड का पता चलेगा कि आपका स्पीड कितना है, ओके। और इस टेस्ट सीरीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है। तो ये पूरा परसेंटेज पे इतना सारा चीज़, सेम कॉन्सेप्ट आपका स्पीड एंड वेलोसिटी पे, सेम कॉन्सेप्ट आपका CISI पे, ऐसे करते करते पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा जनरल साइंस आपका 100% कंप्लीट, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हो। प्रिपेरेशन आपको NTPC के नाम पे करना है, बट ग्रुप डी भी निकाल लोगे, ALP आने वाला है वो भी निकाल लोगे, कोई भी निकाल लोगे, बाकी सारा चीज़ आपको ऐप पे मिलेगा, आप लोग ऐप को डाउनलोड करो वहाँ पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट और लेक्चर आपको चैनल पे भी आएगा, यही है कि चैनल पे वन बाय वन आएगा, ऐप पे ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है और बाकी आ जाएगा। अब एक दो आप लोग देख लो इस टाइप का क्वेश्चन, जो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का CM का नाम, मैं अभी भी बोल देता हूँ, आप लोग एक पेज पे जो भी आपका स्टेट है उसका गवर्नर, उसका चीफ मिनिस्टर का नाम लेटेस्ट वाला याद करके रख लो। गोभी मरुस्थल कहाँ है याद रखना, भोपाल गैस जो है वो कब हुआ था 1984 में सभी को पता है, और किस वजह से हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीक हुआ था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1984 में हुआ था, और कभी कभी पूछा जाता है कि किस गैस की वजह से हुआ था, वो याद रखना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, सूर्य को देखने वाला यंत्र का नाम क्या है, संसद के लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना होता है, पत्ती का छिद्र जिससे गैस रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, नाम याद रखना। महाराष्ट्र की राजधानी, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ओके। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सब कुछ याद रखना। MICR फुल फॉर्म, MICR। एक चीज देखो यहाँ पे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन है, MICR का फुल फॉर्म में सी का क्या वैल्यू है, सी का क्या मान है, सी का फुल फॉर्म में सी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल से है, तो आप देख सकते हो। मैंने पहले ही बोला है कि कंप्यूटर फंडामेंटल से आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, और ऐप पे ऑलरेडी 500 क्वेश्चंस का MCQ मैंने दिया हुआ है, जो कि शायद फ्री है,
तो अगर ये 500 आप देख लेते हो तो एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ओके, फिर किस डेट को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं वो जरूर याद कर लेना, वहाँ पे भी मैंने 80 MCQ दिया हुआ है और गारंटी है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, और ये भी शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी आप लोग देख लेना। कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है और किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, यहाँ से भी आपका 1 से 2 नंबर कवर होगा, उसका भी PDF मैंने दिया हुआ है, वो देख लेना। ठीक है, अगर आप लोगों का एग्जाम का शेड्यूल अभी नहीं आया है फर्स्ट फेज में, मतलब आपका 13 जनवरी के बाद एग्जाम होगा, मतलब आपके पास इनफ टाइम है, कम से कम 10 NTPC का मैंने टेस्ट डाला हुआ है प्रीवियस ईयर बेस्ड। ठीक है, करंट अफेयर्स चेंज होगा बॉस, मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस चेंज नहीं होता है। तो 2016 का जो एग्जाम हुआ था इस पे बेस्ड आपका टेस्ट सीरीज है, 10 फुल टेस्ट समझो या 30 सेक्शनल टेस्ट समझो, टोटल 40 टेस्ट अवेलेबल है, वो भी आपको ऐप पे ही मिलेगा। जाओ टेस्ट लगाओ, सॉल्यूशन बोथ लैंग्वेज में है, वहाँ से कॉन्सेप्ट लर्न करो, ये सब क्वेश्चन जितना आज एग्जाम में देख रहे हो ना, ये सारा क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आया हुआ है, ये सब आपको टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएगा, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और किस किस सेक्शन पर पढ़ना है। रैंडमली कहीं से पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, एग्जाम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज वे में पढ़ोगे आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 2016 का पेपर जा करके प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये पता चलेगा कि मैथ कहाँ से पूछा जाता है, रीजनिंग कहाँ से पूछा जाता है, GK GS कहाँ से पूछा जाता है, और उस हिसाब से पढ़ो। सिर्फ करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक दुनिया भर का करंट अफेयर्स पढ़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ स्टैटिक टॉपिक जैसे कि राइट नाउ गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक का CEO कौन है, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर गवर्नर का क्या नाम है, इस टाइप का आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस टाइप का, कोई भी गवर्नमेंट का अगर कोई ऐप आता है तो उसका नाम क्या है, कहाँ पे लॉन्च किया गया, इस टाइप का करंट अफेयर पढ़ना है, कुछ भी का पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा मोटा आइडिया लग चुका होगा और सब कुछ समझ में आ चुका होगा, बाकी आप लोग ऐप पे आओ और सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस का वेट करो, इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय, थैंक यू।